आज आपको बॉर्डर रेडियस के बारे में बताना है। सबसे पहले तो सही है, तो बॉर्डर रेडियस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? जी मेरी वॉइस आ रही है? तो मुझे कोई बताएगा कि बॉर्डर रेडियस क्या होता है? देखिए, हमने यहाँ पे तीन डिव क्रिएट कर लिए। हर डिव के अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, ठीक है। और मैं इसको कर रहा हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर, और मेरे पास इसकी जो विथ है, मेरे पास जो इसकी विथ है वो कम करनी है। हमने यहाँ पे स्टाइलिंग दी है पहले से ही, तो ये कंटेनर हमें नहीं चाहिए। और इसके अलावा मैं ये कंप्लीट स्टाइलिंग जो है वो हटा रहा हूँ, और यहाँ से जो भी मैंने कल की स्टाइलिंग की थी वो सब मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भी हाइड भी हटा देते हैं। अब कुछ भी नहीं इसके अंदर, सही है, बिल्कुल एम्प्टी है। और अब सेव करता हूँ। देखिए, बिल्कुल सिंपल, आपके पास जो है इस तरीके से आपके पास एक आउटपुट आ रहा होगा। तीन डिव है, सही है, ये एक डिव है, ये एक डिव है, सही है, और ये एक डिव है, लास्ट वाला एक डिब है, ठीक है। अब मैं इन सबको बैकग्राउंड कलर, सही है, और जो है इसका कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लाइन हाइट के बारे में पता है? लाइन हाइट क्या होती है? देखिए, लाइन हाइट बेसिकली जैसे यहाँ पे आपके पास इन लाइंस के बीच में जो गैप होता है ना, ये क्या होता है? लाइन हाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं लाइन हाइट देता हूँ 2 em। देखो, यहाँ पे लाइन हाइट के गैप आया कुछ, पहले गैप कम था, अब देखो थोड़ा सा गैप ज्यादा है। अगर यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4 em, देखो कितना ज्यादा गैप हो गया सबके, मतलब के लाइंस में देखो कितना ज्यादा गैप हो गया। इसको बोलते हैं लाइन हाइट। क्या बोलते हैं? लाइन हाइट, ठीक है। और अभी मुझे यहाँ पे मैं 1.5 दे रहा हूँ, और फॉन्ट साइज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 18 पिक्सल। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? 16 पिक्सल होता है, ठीक है। और मार्जिन में दे रहा हूँ टॉप और बॉटम। अच्छा, मार्जिन की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्जिन हमारे पास यहाँ पे होती है 4 वैल्यूज मार्जिन की, ठीक है। कितनी वैल्यूज होती हैं? 4। कौन कौन सी? सबसे पहले आपके पास वैल्यू होती है टॉप, मतलब कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखें हमारे पास पैडिंग और मार्जिन की 4 वैल्यूज होती हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है, ये 4 वैल्यूज है। अगर मुझे एक ही जगह पे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मार्जिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं यहाँ पे 4 वैल्यूज दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको इस तरीके से नहीं देनी, आप इस तरीके से भी दे सकते हो, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, सही है। तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस तरीके से नहीं देना, मुझे एक ही मार्जिन प्रॉपर्टी के अंदर चारों वैल्यूज देनी है, मुझे एक ही प्रॉपर्टी के अंदर चारों वैल्यूज देनी है, तो मैं किस तरीके से दूंगा वो वैल्यूज? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एक ये बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी है, फॉर एग्जाम्पल ये चलेगा किस तरीके से? ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। किस तरीके से? पहले ये जो टॉप देखेगा, मतलब के आपका ये जो 12 की तरफ नीडल नहीं होती, सबसे पहले टॉप देखेगा, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन इसके बाद ये कहाँ जाएगा? 3 पे, मतलब के राइट, अगर मैं 3 की बात कर रहा हूँ तो राइट, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे राइट के बाद ये नीचे आएगा बॉटम, ठीक है। देन इसके बाद ये रीड करेगा लेफ्ट, सही है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज देख लेते हैं। तो पहली कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी से मुझे बताएं। टॉप आएगी, टॉप यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है।
और राइट वैल्यू आएगी तो राइट में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ ताकि कुछ नजर आए, और अगर बॉटम की बात करते हैं तो बॉटम पे 50 पिक्सल दे देते हैं, और लेफ्ट की बात करते हैं तो लेफ्ट पर 20 या 5 पिक्सल दे के चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करो ये क्या है, हमारे पास टॉप पे कितनी वैल्यू आ रही है, हमारे पास यहाँ पे टॉप पर 10 पिक्सल, सही है। अगर मैं यहाँ से 50 करता हूँ, देखो टॉप से इंक्रीज हुई, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे टॉप पे 10 पिक्सल हुई है, और राइट की वैल्यू मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल करता हूँ, देखो राइट की वैल्यू चेंज हुई, सही है। तो पहले क्या आएगा, टॉप, देन राइट, देन बॉटम, देन उसके बाद लेफ्ट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। मार्जिन आपके पास पहले टॉप आएगा, देन क्या आएगा, राइट आएगा, देन उसके बाद बॉटम, देन लेफ्ट, ठीक है। तो आप चार वैल्यूज के साथ भी खेल सकते हो। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे दो वैल्यूज के साथ खेलना है, सही है। मुझे कितनी वैल्यूज के साथ, दो वैल्यूज के साथ। अब मार्जिन वही तरीका है मार्जिन, अब दो वैल्यूज का तरीका क्या है, आप टॉप एंड बॉटम दोगे पहले, पहले क्या दोगे, टॉप एंड बॉटम। फॉर एग्जांपल मुझे 10 पिक्सल देना है टॉप और बॉटम को, मुझे क्या देना है, 10 पिक्सल टॉप और बॉटम। जो पहली वैल्यू होगी वो किसको कंसिडर करेगी, टॉप एंड बॉटम। देन इसके बाद मुझे लेफ्ट एंड राइट 0 देना है तो मैं 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ब्राउजर में टॉप एंड बॉटम मेरे पास कितना आ गया, 10 पिक्सल आ गया, और लेफ्ट एंड राइट क्या हो गया, 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मार्जिन यहाँ से लेफ्ट एंड राइट की बढ़ा देता हूँ, सही। और मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे पिक्सल लिखते हैं, सेव करता हूँ। देखो लेफ्ट एंड राइट पे हमारी जो मार्जिन है वो एग्जैक्टली 20 पिक्सल इधर भी आ रहा है, 20 पिक्सल इधर भी आ रहा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब सपोज करो कि मुझे, मैं इसकी विड्थ डिफाइन करता हूँ फॉर एग्जांपल 50%, मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझना बात को जी, देखें पहले हम चार वैल्यूज दे रहे थे, कौन कौन सी, टॉप, देन राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। अब उसी को मैं थोड़ा सा मतलब के कस्टमाइज करता हूँ, किस तरीके से। फॉर एग्जांपल मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि 10 पिक्सल टॉप पे भी हो, 10 पिक्सल बॉटम पर भी हो, तो मैं इस तरीके से नहीं दे सकता 10 पिक्सल। अगर मैंने पहली वैल्यू जो दूंगा वो टॉप एंड बॉटम को कंसिडर करेगा, पहली वैल्यू जो होगी टॉप एंड बॉटम को कंसिडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 20 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट, मुझे एग्जैक्टली लेफ्ट पे भी वही वैल्यू देनी है, एग्जैक्टली मुझे राइट पे भी वही वैल्यू देनी है। तो आप ये कर रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे चार वैल्यूज दे रहे हो, 10 10 पिक्सल, और कौन यहाँ पे दे रहे हो 20 20 पिक्सल, सॉरी पहले आएगा यहाँ पे टॉप राइट, एंड यहाँ पे क्या होगा बॉटम है, तो यहाँ पे आप 10 पिक्सल बॉटम पे दे रहे हो और 20 पिक्सल। अब इतनी बड़ी आप चार वैल्यूज दोगे, इससे अच्छा आप टॉप बॉटम भी वही दे रहे हो, लेफ्ट राइट भी वही दे रहे हो, तो इससे अच्छा आप ये दो वैल्यूज दे दो, टॉप एंड बॉटम, पहली वाली जो वैल्यू वो कंसिडर करेगा, लेफ्ट राइट पे 20 पिक्सल कंसिडर करेगा। ये समझ आया, सही। तो आप चार वैल्यूज भी दे सकते हो, दो वैल्यूज भी दे सकते हो, और मार्जिन टॉप करके आप दे सकते हो, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट एंड राइट करके भी आप दे सकते हो। अब मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप एंड बॉटम कर दिया, कंट्रोल एस किया, और मैंने यहाँ पे विथ 50% कर दी है, सही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा बॉक्स है ये सेंटर में आ जाए, इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा अगर मुझे इस बॉक्स को सेंटर में लेके आना है, तो इस बॉक्स को मुझे सेंटर में लेके आना है तो मुझे क्या करना चाहिए। पोजीशन तो देखो एक अलग चीज है, पोजीशन एक अलग चीज है, ठीक है। मुझे इसको देखो, मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट से मूव नहीं करूंगा, मैं इसको कर दूंगा लेफ्ट राइट से ऑटो कर दूंगा, लेफ्ट राइट से ऑटो करूंगा। तो ये सारे जितने भी डिव हैं हमारे पास, जिस जिसके ऊपर क्लास है बॉक्स की, उन वो सब सेंटर में आ जाएंगे, सही है। लेफ्ट राइट,
यहाँ से देखो, अब जितना भी मैं इसको यहाँ से फॉर एग्जांपल इसको जितना भी मैं स्ट्रेच करता हूँ, ये लेफ्ट राइट अपने हिसाब से ऑटो है, और लेफ्ट पे भी ऑटो होगा, मार्जिन पे भी ऑटो मार्जिन होगी, और अपने हिसाब से वो एडजस्ट करके आपको सेंटर में लाके दे रहा होगा, ठीक है। जिस हिसाब से स्क्रीन की विथ होगी उस हिसाब से वो सेंटर में आपको लाके देगा, ठीक है, जब आप लेफ्ट राइट पे मार्जिन ऑटो कर दोगे। अगर आप टॉप एंड बॉटम पे ऑटो करते हो तब वो कंसीडर नहीं करेगा, सिर्फ मार्जिन ऑटो लेफ्ट एंड राइट पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, लिख लें अपने पास, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है मार्जिन ऑटो लेफ्ट एंड राइट पे जब आपको वेबसाइट रिस्पॉन्सिव करनी होती है, ठीक है। तो मार्जिन हमने 10 पिक्सल दे दी, लेफ्ट एंड राइट दे दिया, और लेफ्ट राइट हमने ऑटो कर दिया। और बेसिकली मुझे आज का जो टॉपिक बताना था वो ये था, यही चीज आप पैडिंग के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। पैडिंग के अंदर भी आप 4 वैल्यूज दोगे, वही एंटी क्लॉक वाइज, अगर आपको 4 वैल्यूज नहीं देनी आप 2 वैल्यूज दो, सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पैडिंग देता हूँ, मुझे टॉप एंड बॉटम से चाहिए 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट से चाहिए 20 पिक्सल, सेव करता हूँ। देखो वही चीज हो रही है जो हम मार्जिन में कर रहे थे, 4 वैल्यूज भी दे सकते हो, 2 वैल्यूज भी, और 1 वैल्यू भी आप दे सकते हो। इट्स पैडिंग, मैंने बताया तो था कल, अंदर के गैप मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे देखो, ये देखो आपके पास यहाँ पे पैडिंग ग्रीन कलर की है, ठीक है, और मार्जिन ब्राउन कलर टाइप का है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे देखो अगर मैं इसके ऊपर जो है फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो बाहर का गैप दिखा रहे ब्राउन कलर का, ये क्या है? मार्जिन। अंदर का गैप जो है इसकी हम बात करते हैं, ये जो ग्रीन कलर का, ये जो अंदर का जो बॉक्स आ रही है, ये देखो ये अंदर का, जी अंदर का जो बॉक्स है ना आपके पास, बॉक्स के इनर का स्पेस आपको पैडिंग लाके देता है, और बॉक्स के बाहर का स्पेस मार्जिन आपको लाके देता है, ठीक है। तो ये एक अगर आपको यहाँ से चेक करना हो तो कभी मार्जिन और पैडिंग, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये कलर्स आपको बता रहे होते हैं, ठीक है, मार्जिन और पैडिंग के जो कलर्स होते हैं। और ये देखो कॉन्टेंट ये है, और इसके बाद इसके ऊपर हॉवर करता हूँ, ये कंटेंट है आपका, देन इसके बाद ये मार्जिन आपके पास आ रही है, तो ये एक एक चीज आपको यहाँ पे बता रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो हमने पैडिंग देख ली, मार्जिन देख ली, अब मैं यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर रेडियस। देखो बॉर्डर रेडियस काम क्या करता है, बॉर्डर रेडियस बेसिकली आपके जो ये कॉर्नर्स हैं तो राउंडेड में लेके आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 30 पिक्सल करता हूँ, तो देखो बॉर्डर रेडियस से क्या हुआ, ये राउंडेड में आ गया, ठीक है, ये देखो कॉर्नर्स जो थे हमारे राउंडेड में आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 50% करता हूँ तो क्या होगा, 50% से क्या होगा, वो बिल्कुल ओवल शेप में हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यही चीज 100% के साथ करता हूँ तो वही चीज आपको सेम दिखेगी, ठीक है, 50% या 100% पे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा राउंडेड आ रहा है चारों कॉर्नर्स पे आ रहा है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन समझना है यहाँ पे, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो राउंडेड कॉर्नर आए सिर्फ इस जगह पे है, टॉप पे आए और बाकी पे नहीं आए कॉर्नर, सिर्फ इस वाली टॉप वाली जगह पे है, तो मैं क्या दूंगा यहाँ पे, बॉर्डर रेडियस टॉप, अगर टॉप दूंगा तो ये तो पूरे पे कवर कर लेगा, टॉप तो पूरा ही है, टॉप लेफ्ट आएगा बॉर्डर सही है, बॉर्डर रेडियस हमारे पास यहाँ पे देखो बॉर्डर रेडियस, ये देखो बॉटम है, टॉप है, लेफ्ट है, सही है। तो आपके पास सारे यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, अभी हमें क्या देना है, टॉप पे बॉर्डर लेफ्ट आएगा, देन इसके बाद रेडियस, ठीक है,
और इसके बाद मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल देना है और मैं प्रॉले को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे जो आप अब चेक करें, जो टॉप और लेफ्ट है वहाँ पे हमारे पास बॉर्डर रेडियस आ चुका है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो बॉर्डर रेडियस है इस वाले पे आए, तो मैं क्या दूंगा, यहाँ पे आए बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे आए तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, बॉटम राइट, सही है। तो मैं यहाँ पे दूंगा बॉटम, सॉरी टॉप की जगह आएगा बॉटम और यहाँ पे आएगा बॉटम राइट, ठीक है। सेव करूंगा तो बॉटम राइट की जगह हमारे पास बॉर्डर रेडियस आ गया। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, सही। तो बॉर्डर भी आपको समझ आ गया। अब इसके अलावा हमारे पास कौन सा टॉपिक है, इसके अलावा हमारे पास जो है बॉर्डर रेडियस हो गया, और चलो एक फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और फॉर्म के अंदर लेबल, मार्जिन, ये सारी चीज़ें उसको डिज़ाइन करते हैं, तो किस तरीके से हमें फॉर्म दिखाना है, चलो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो है, सबसे पहले तो इन सब को मैं रिमूव कर देता हूँ और फॉर्म, एक मिनट, फॉर्म का टैग यूज़ किया और यहाँ पे एक H2 हेडिंग दे देते हैं, साइन अप, और इसके नीचे एक पैराग्राफ दे रहे हैं लॉरेम टेनवर्ड्स का, ठीक है। और इसके अलावा हम यहाँ पे H2 के अलावा हम यहाँ पे एक लेबल दे देते हैं, और लेबल पे यहाँ पे देखते हैं एफ नेम, फर्स्ट नेम, और लेबल के अलावा यहाँ पे इनपुट आएगा और इनपुट टाइप टेक्स्ट है। अब हमें यहाँ पे कंप्लीट देना है, तो इनपुट कॉलन टेक्स्ट, और यहाँ पे नेम की जगह एफ नेम लिख देते हैं और आईडी की जगह, ये तो सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। और इस कंप्लीट को मैं एक डिफ के अंदर रख रहा हूँ, इस कंप्लीट को मैं एक डिफ के अंदर रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बी आर, सही है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ बी आर। अब इसके नीचे एक और डिफ चाहिए, फर्स्ट नेम की जगह मुझे लास्ट नेम चाहिए, यहाँ पे मैं, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करता हूँ, एक और दफ़ा कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और एक और दफ़ा कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, क्या डी फॉर डॉग, ठीक है। तो कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे पहली जो एफ नेम की जगह मुझे एल नेम लिखना है, अब देखो मैं एक दफ़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, तीनों पे चेंज हो रहा है, तीनों पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या प्रेस करना है, रिपीट कर दूँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहला जो नेम था, ठीक है, वो मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास वही नेम नीचे आ रहे हैं और मुझे इन सब नेम को चेंज करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल डी तीन दफ़ा, अब एक और दफ़ा कंट्रोल डी दबाऊंगा तो वो ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेगा, मुझे ऊपर वाले को सेलेक्ट नहीं करवाना, मुझे इन तीनों को ही चेंज करना है। तो मैंने तीन दफ़ा कंट्रोल डी प्रेस किया और अब मुझे इनका नाम चेंज करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एफ नेम था, मुझे अब एल नेम देना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से भी चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे देना लास्ट नेम और इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने देते हैं। उसके बाद एक और डिव हम यहाँ पे पेस करते हैं और यहाँ पे जो है कंट्रोल डी और ईमेल हमें देनी है और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ईमेल। और यहाँ पे भी ईमेल दे देते हैं और इसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड का एक ऑप्शन देते हैं कंट्रोल डी और यहाँ पे भी पासवर्ड और इनपुट टाइप क्या होगी, पासवर्ड,
एक और डिव देना है और वो डिव होगा कंफर्म पासवर्ड का, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल डी, अब देखो मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी किया तो वही चीज नेम जो है दोबारा सेलेक्ट कर उसने कर लिया, सही है। अब मुझे सिर्फ किसको सेलेक्ट करवाना था, ये जहां पे पास दिया हुआ इसको इसको इसको। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो इस लेबल को भी सेलेक्ट कर रहा जो कि मुझे नहीं करवाना। तो अब मुझे यहाँ पे करना है कंफर्म पासवर्ड और अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे दूंगा, सही है। तो आई होप के कंट्रोल डी जो है मल्टीपल सेलेक्शन आपको समझ आ गई होगी। कंफर्म पासवर्ड और इसके अलावा यहाँ पे एक और डिफ क्रिएट करते हैं और इस डिफ के अंदर मैं दे रहा हूँ इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू दे देते हैं साइन अप, सही है। और जो है इनपुट टाइप सबमिट हो गया, या हम इसकी जगह एंकर भी यूज कर सकते हैं, अब आपकी मर्जी है, ठीक है। आप एंकर भी यूज करो या इनपुट टाइप सबमिट यूज करो, इट्स डिपेंड ऑन यू। और इसके नीचे जो है एक पैराग्राफ दे रहे हैं 15 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दे देते हैं, सेव करते हैं और इसको मैं यहाँ पे स्पैन का पता है स्पैन क्या होता है, प्राइवेसी पॉलिसी, स्पैन का पता है स्पैन क्या होता है, नहीं और कोई बताएगा, नहीं जी मरियम आप बताएंगे, क्या आज है ऐसा कोई सीन नहीं है, अच्छा म्यूट करने में बता। यहां तक क्लियर है, मैंने सिंपल साइन अप का एक फॉर्म क्रिएट किया है, सही है। और अब इसको हम डिजाइन करते हैं, तो फॉर्म के अंदर मैं क्लास दे रहा हूं एक और यहां पे लिख देता हूं साइन अप, ठीक है। और मैं स्टाइल पे आता हूँ, इस कंप्लीट बॉक्स को हटा देता हूँ, डॉट साइन अप और बैकग्राउंड कलर चेक कर लेते हैं, देखिए काम कर रहा है, सही। तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है लाइट ग्रे, तो लाइट ग्रे हम ये बैकग्राउंड कलर देंगे और बॉडी पे आके इसका एक बैकग्राउंड कलर बॉडी पे भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देते हैं डार्क, चलो ये दे देते हैं, ठीक है। और अब साइन अप की विड्थ मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 30%, सही है 30%, 35 कर देते हैं और मार्जिन मैं इसकी कर देता हूँ 0 और ऑटो, ठीक है 0 और ऑटो देते हैं, एक सेकंड यहाँ पे मैं 20 पिक्सल बढ़ा देता हूँ या थोड़ी सी और ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, सही है। अब हमें क्या करना है, हमने फॉन्ट फैमिली यूज़ की हुई है और डॉट
साइन अप एच टू, और इसको हमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन क्या पता है? टेक्स्ट अलाइन क्या होती है? टेक्स्ट अलाइनमेंट बेसिकली होती है कि आप सेंटर कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो बेसिकली टेक्स्ट को, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या, आप सेंटर में भी लेके आ सकते हो, लेफ्ट पे भी लेके आ सकते हो, राइट पे भी। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेफ्ट पे लेके आना है, बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट पे ही होता है, लेफ्ट पे ही आएगा, ठीक है। अगर आपको सेंटर में लेके आना है, आप सेंटर में लेके आ सकते हो बाय डिफॉल्ट, या आपको राइट पे लेके आना है तो आप राइट पे लेके आ सकते हो। अभी हमें सेंटर में लेके आना है तो हम सेंटर लिखेंगे, और इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन के अलावा मुझे यहाँ पे फॉन्ट वेट इसका थोड़ा सा लाइट करना है, तो फॉन्ट वेट हम यहाँ पे लाइट तो नहीं यूज करेंगे, 400 देके चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉन्ट वेट के अंदर आपके पास कुछ वैल्यूज भी आ रही होती हैं, आप यहाँ पे फॉन्ट वेट चेक करोगे ना कॉलन देके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, ये देख रहे हो सारी वैल्यूज होती हैं। अगर मैं 100 यूज करता हूँ, देखो बहुत लाइट हो गया, मुझे इतना लाइट नहीं चाहिए, मुझे 400 तक चाहिए, इसके आगे मैं पिक्सल्स वगैरह नहीं लगाऊंगा, ठीक है। फॉन्ट वेट आप सिंपल वैल्यूज दे तो वो आपको खुद ही बता रहा होता है, 100, 200, 400, 300, 100 के अंदर आपके पास फॉन्ट वेट की वैल्यू आ रही होती है। अगर आप गूगल फॉन्ट से भी आप डाउनलोड करेंगे गूगल फॉन्ट या इम्पोर्ट करवाएंगे, तो वहां पे भी आपके पास वैल्यूज आ रही होती है 100 में 100, 200, 300। अब जिस हिसाब से आपको फॉन्ट चाहिए आप वो सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने 400 यूज किया हुआ है, और टेक्स्ट अलाइन मैंने सेंटर किया हुआ है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ 10 पिक्सल, सही है। और साइन अप को मैं बॉर्डर रेडियस दे रहा हूँ। अच्छा, जिस तरीके से मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ ये आपको नोट करना है, सही। आप चलो देख रहे होगे ये आता है, इस तरीके से नहीं करना। जो चीज मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ आप उसको नोट करो, मैं स्टाइलिंग किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें नहीं देखना कि ये चीज आती है हो जाएगा, नहीं होता बाद में आप लोगों से, लेकिन आप ये पहले चेक करोगे स्टाइलिंग हो किस तरीके से रही, आपको सारी चीजें पता है, सही है। लेकिन स्टाइलिंग चेक करो कि मैं कर किस तरीके से रहा हूँ, सही, असल चीज ये देखनी है। तो मैं बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल, और 10 पिक्सल से सही है, बहुत है 10 पिक्सल, और या सही है भी 10 पिक्सल, कोई इशू नहीं है, सही है। और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा इसका लाइट कर देते हैं, अब ये बेहतर है कलर, ठीक है। और इसकी मैं कुछ पैडिंग डिफाइन कर देता हूँ, बहुत ये कॉम्प्लेक्स हुआ हुआ, थोड़ा सा अंदर से गैप दे देते हैं 10 पिक्सल का, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 15 पिक्सल, सही। अब देखो मैं जैसे ही पैडिंग बढ़ा रहा हूँ उसकी विड्थ भी इंक्रीज हो रही है, ये नोट कर रहे हो। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पैडिंग इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो रही है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, मुझे उसी विड्थ के अंदर मुझे पैडिंग देनी है, तो इसका क्या सॉल्यूशन है मुझे बताओ पहले जी, किसी को आइडिया? सॉरी, मैक्स रेजोल्यूशन नहीं, और कोई? देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है विथ उसकी 35% है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब मैंने पैडिंग दी उसकी विथ इंक्रीज हो रही है। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा जो है वो विथ ऐड नहीं हो, तो उसके लिए करते हैं बॉर्डर बॉक्स, यहाँ पे देते हैं, क्या देते हैं, बॉर्डर बॉक्स, या बॉक्स साइजिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे दे दोगे बॉर्डर बॉक्स। अब मैं सेव करूँगा, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई इंक्रीज करता हूँ, सही, लेकिन अभी भी हमारी विड्थ इंक्रीज हो रही है, एक सेकेंड, हमारे पास विड्थ कितनी है, 35% है, और पैडिंग मैंने दी हुई है 20 पिक्सल, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पैडिंग अब 50 पिक्सल इंक्रीज करता हूँ, तो लेकिन हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, सही, विथ इंक्रीज हो रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए,
हम यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स देते हैं और यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल, और अब मैं बढ़ाता हूँ यहाँ पे, इसको रीड नहीं कर रहा बॉर्डर बॉक्स। चलो बताता हूँ बॉर्डर बॉक्स का, इसकी मैं भी एग्जांपल करवाता हूँ। लेकिन हमारी जो वेथ है वो इंक्रीज हो रही है अभी भी, ये अभी मसला आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी अभी देखते हैं। तो पैडिंग हमने 50 पिक्सल हमें नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए, हमें 20 पिक्सल चाहिए, और विथ हमें की कम कर देता हूँ 30% करके चेक करते हैं। सही। और इसके अलावा यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना आप लोगों का। सही। यहाँ पे हमने H2 को हमने अभी मार्जिन बॉटम दे दी और फॉन्ट वेट हमने दे दिया। इसके अलावा हम यहाँ पे इसका कलर भी साइन अप पे जाके फॉन्ट कलर सबका चेंज कर देते हैं, सेव करते हैं H333, और जो है पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज है वो भी कम कर देते हैं। अब किस तरीके से करूँगा, साइन अप देन पैराग्राफ को टारगेट करना है, साइन अप के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं उन सबको टारगेट करेगा। सही है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। चेक करते हैं 15 पिक्सल ज़्यादा है, 14 चेक करते हैं, 14 इनफ है, ठीक है। और मार्जिन यहाँ पे भी बॉटम दे रहा हूँ 10 पिक्सल, तो चेक करो 10 पिक्सल का हमने यहाँ पे गैप दे दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, साइन अप के अंदर जितने भी लेबल्स हैं, जितने भी हमने लेबल दिए हैं, लेबल का पता है ना क्या होता है लेबल, ये आपके पास फर्स्ट नेम आ रहा, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारे क्या है लेबल हैं, ये तो पता है ना सब। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लेबल को, लेबल का फॉन्ट साइज चेंज करना है। फॉन्ट साइज कर देते हैं 13 पिक्सल, कम कर दिया, ठीक है। और फॉन्ट साइज हमने इसका कम कर दिया 13 पिक्सल। और इसके अलावा अब बात करते हैं, या एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट वेट कर देते हैं 600, 600 बहुत ज़्यादा हो गया, सही है। और अब बात करते हैं इनपुट की, मुझे इनपुट, अब इसके अंदर जितने भी इनपुट्स होंगे उन सबको टारगेट करना है। तो मैंने इनपुट किया, इनपुट, अब ये सब इनपुट को टारगेट करेगा, और इनपुट को किस तरीके से टारगेट करेगा, सबसे पहले तो मैं इसकी इनपुट की पैडिंग, पैडिंग को सबसे पहले मैं इसकी विथ डिफाइन कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे विथ लिखता हूँ 100%, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ विथ इनपुट की 100%, तो क्या होगा यहाँ पे, जी बॉक्स के अंदर नहीं आएगा, ये क्या मतलब समझा नहीं मैं। मैंने इनपुट बोलो, इनपुट फुल क्या, कितना साइज कवर कर लेगा, पूरी मतलब के बॉक्स के पूरी रो, मतलब के ब्राउजर की पूरी कंप्लीट रो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो देखो फॉर्म मैंने 100% किया, तो उसने पूरी जो है फॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेस थी, जो आधा आ रहा था इनपुट, उसने कंप्लीट 100% कवर कर ली, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे देना है बॉर्डर रेडियस, दे देते हैं 5 पिक्सल, 5 पिक्सल आ गया। अब यहाँ पे मसला क्या रहा है, बॉर्डर आ गया, यहाँ पे मसला क्या रहा है, बॉर्डर आ गया। अब मुझे बॉर्डर को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे बॉर्डर को हटाना है तो बताओ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बताओ बॉर्डर को मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा, बॉर्डर नॉन कर दूंगा, बॉर्डर हट गया, बॉर्डर नॉन कर दूंगा और बॉर्डर मेरा हट जाएगा, ठीक है।
और मैं चारों के बॉर्डर मेरा रहे, ठीक है, मेरा बॉर्डर 1 पिक्सल रहे। 1 पिक्सल कितना होना चाहिए, कलर मुझे बताना होगा, H333, और इसके अलावा सॉलिड। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, सही है। और मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है। अब बैकग्राउंड कलर मैं दे रहा हूँ ट्रांसपेरेंट, सेव करता हूँ। बैकग्राउंड कलर मेरा हट गया, जो मेरा वाइट कलर आ रहा था इनपुट के अंदर वो हट चुका है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे पैडिंग देनी है, पैडिंग मतलब कि अंदर की गैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पैडिंग देनी है अंदर मुझे, देनी है फॉर एग्जाम्पल टॉप एंड बॉटम देनी है 10 पिक्सल, और लेफ्ट एंड राइट देते हैं, लेफ्ट राइट अभी 0 करके देखते हैं। 10 पिक्सल दे दी, इट मीन्स के बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मुझे कम करनी थोड़ी। 4 पिक्सल करके देखते हैं, 4 पिक्सल भी बहुत ज़्यादा हो रही है। 3 पिक्सल चेक करते हैं, 3 पिक्सल इनफ है। और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे भी मैं 3 दे देता हूँ, सही है। तो 3 पिक्सल टॉप एंड बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह से 3 पिक्सल ही काउंट करेगा। अगर यहाँ से मैं 5 पिक्सल कर देता हूँ तो ये 5 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से काउंट करेगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं इनपुट टाइप, हमने यहाँ तक सब कर लिया, इनपुट टाइप हो गया जी। कौन, क्या क्वेश्चन है? जी जी सॉलिड है वो। सॉलिड का ये काम है कि आपका जो बॉर्डर है वो सॉलिड मतलब कि एक कंप्लीट लाइन लेके आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉटेड, मैं सेव करता हूँ, तो देखो मेरे पास यहाँ पे डॉटेड लाइन बनी हुई आ रही है, नजर आ रही है डॉटेड लाइन्स। मैं थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज करता हूँ, चेक करो, डॉटेड लाइन नजर आ रही है आपको? तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सॉलिड करना है, सही है। और सॉलिड कुछ इस तरीके से आपके पास दिख रही होगी, सही है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया, आपकी मर्जी है, आप कोई दूसरा भी कलर दे सकते हैं। और पैडिंग यहाँ पे जो है मैं 2 पिक्सल ही रहने देता हूँ। और अब बात करते हैं साइन अप की, ठीक है। तो साइन अप को जाके मैं क्लास दे रहा हूँ, जो हमारा इनपुट टाइप साइन अप की जो हमारा बटन है उसको मैं दे रहा हूँ क्लास, और यहाँ पे लिखता हूँ BTN, सेव करता हूँ, नीचे आता हूँ डॉट BTN, और यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर मैं सबसे पहले चेंज कर लेता हूँ, देन इसके अलावा मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 पिक्सल, सही है। और हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो रीड नहीं कर रहा, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर इसमें रीड नहीं कर रहा। देन इसके बाद जो है एक डॉट साइन अप, ये चीज समझ आई जी? ये चीज समझ आई मैंने यहाँ पे क्या किया? साइन अप के अंदर जो BTN है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। तो वो पहले कलर कौन सा लेके आ रहा था, ट्रांसपेरेंट लेके आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने डॉट साइन अप किया डॉट BTN, तो वो उसके कलर को ओवरराइड कर देगा, जो कलर होगा वो लेके आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से मैं कलर थोड़ा सा डार्क ले लेता हूँ, और सेव करता हूँ, और इसका जो कलर है और इसकी विड्थ हमने डिफाइन की हुई है, पैडिंग दे देते हैं। और 5 पिक्सल
टॉप एंड बॉटम 3 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 5 पिक्सल, देख विथ 100% रिकवर कर रहा है, 110% पे आ रहा है, 1 ठीक है। और इसके अलावा मार्जिन हमने टॉप 20 पिक्सल बहुत ज्यादा दी हुई है, 10 पिक्सल कर। साइन अप भी आपके पास आ गया, लेकिन इसके अंदर बॉर्डर आ रहा है, वो बॉर्डर मुझे हटाना है। बॉर्डर नन सेव करता हूँ, बॉर्डर आपका हट चुका है। और टॉप बॉटम पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब मुझे इसको एडिट करना है, ये जो मेरे पास आ रहा है सही है, इस टेक्स्ट को एडिट करना है। तो मैं यहाँ पे उस टेक्स्ट पे एक क्लास दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लास दे रहा हूँ, कौन सी क्लास दे यहाँ पे, फॉर्म फूटर सेव करते हैं और यही क्लास में कॉपी करता हूँ और डॉट साइन अप के अंदर जो फॉर्म फूटर की जो क्लास है उसका जो फॉन्ट साइज है वो कर दो 12 पिक्सल, 12 पिक्सल, 11 पिक्सल, ठीक है। और जो है इसके अलावा टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं जस्टिफाई। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई से ये होगा कि जितनी उसकी स्पेस होगी वो अपने हिसाब से जस्टिफाई कर देगा, ठीक है। जैसे हमने लेफ्ट किया था, राइट किया था, सेंटर किया था, एक होता है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई से क्या होगा, जितनी भी उसकी स्पेस होगी वो अपने हिसाब से कंटेंट को जस्टिफाई करके आपको लाके दिखा देगा, ठीक है। और हमने एक स्पैन यूज किया था, तो स्पैन का टैग बेसिकली क्या होता है, स्पैन का टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन का टैग क्या, एक इनलाइन एलिमेंट है। और जैसे यहाँ पे स्पैन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कलर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, वो ब्लू कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे देखें स्पैन का कीवर्ड मैंने डायरेक्ट स्पैन से मैंने कलर चेंज कर दिया, जहां जहां मैंने जिसको स्पैन का टैग दिया था उससे मैंने डायरेक्ट कलर चेंज कर सकता हूँ, या आप उसी के अंदर रहते हुए इनलाइन को आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर लेके आ सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, सही है। तो सारी चीजें आप कर सकते हैं स्पैन के अंदर, ठीक है। इसका फॉन्ट वेट मैं यहाँ पे दे देता हूँ 400। और इसके अलावा जो है मार्जिन, इसकी भी मैं टॉप दे देता हूँ 10 पिक्सल। और हमारे मार्जिन टॉप यहाँ पे रीड नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि हमने स्पैन के अंदर दे रहे हैं, हमें देना है ऊपर। तो मार्जिन टॉप वहाँ से 10 पिक्सल, और इसको मुझे नीचे दिखाना है, ये जो है फॉर्म के नीचे मुझे दिखाना है। तो मेरा जो लास्ट का जो पैराग्राफ है मैं यहाँ पे कर देता हूँ और ये आ गया बिल्कुल यहाँ पे बॉटम पे। और मुझे इसको यहाँ पे नीचे चेंज करना है, तो उसको हम क्लास दे देते हैं यहाँ पे, क्लास देते हैं फूटर के नाम से, सेव करते हैं। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फूटर और मार्जिन इसकी ऑटो कर देता हूँ और विथ दे देते हैं 20%। तो ये आपके पास सेंटर में आ गया। और इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज हम इसका दे देते हैं 10 पिक्सल, सही है। अब यहाँ पे देखो जो हमने मार्जिन टॉप दी हुई थी और बॉटम दी हुई थी वो भी यहाँ पे काउंट हो रही है, मैं चाह रहा हूँ ये टॉप पे आए, इसके साथ आए। तो मुझे यहाँ पे क्या देना होगा, जो हमने यहाँ पे मार्जिन टॉप और बॉटम दी हुई थी मुझे इसको हटा के 0 करना होगा यहाँ से, और मैं यहाँ से दे दूंगा सिंपल मार्जिन
टॉप और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे देना है 30 पिक्सल, सही है, और 30 पिक्सल सिर्फ ऊपर की आ रही है, तो मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं परसेंटेज पे काम कर लेता हूँ, परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गई, 10%, सही है। तो 8% पे हमने यहाँ पे इसको टॉप दिया हुआ है, और नीचे वाले को मुझे अब थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, जो मेरे पास फूटर आ रहा है, मार्जिन मैंने उसकी ऑटो कर दी है, कलर उसका मैं वाइट ग्रे कर देता हूँ, और इसकी टॉप एंड बॉटम मैं डिफाइन कर देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है, और टेक्स्ट अलाइन में कर देता हूँ सेंटर, सही। तो आपके पास साइनअप का एक सिंपल सा फॉर्म बन गया है, सही है, और इस तरीके से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। जी, कोई क्वेश्चन इसके अंदर? जी एहसान, अफजल, फराज, साइन आपके ब्लॉक में समझा नहीं मैं आपकी बात। आप बॉक्स शेडो की बात कर रहे हैं, बॉक्स के साथ जो शेडो आ रहा होता है, आप बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी दे सकते हैं, और उसके साथ आप 3 वैल्यूज देंगे, कौन कौन सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और उसके साथ देंगे ब्लर। क्या क्या? बॉक्स शेडो की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्स एक्सिस की एक वैल्यू देंगे, सही है, उसके साथ वाई एक्सिस की वैल्यू देंगे, और ब्लर का मतलब ये कि आप उसको कितना स्प्रेड करना चाहते हैं, सही है, और कितना फैलाना चाहते हैं। अभी क्योंकि अभी चलो मैं करके दिखा दूंगा, सही, कोई इशू नहीं है, लेकिन हमारा बॉक्स शेडो का भी टॉपिक है नहीं, क्योंकि बॉक्स शेडो का एक लेंथी टॉपिक है, तो वो भी मुझे कवर करवाना है। तो हमें किसको देना है, मैं अभी करके दिखा देता हूँ। इस पर साइन अप का जो हमारा BTN है उसको देना है, बॉक्स शेडो, और इसके अंदर आप क्या देंगे, एक्स की वैल्यू देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3 पिक्सल, वाई अभी मैं नहीं दे रहा, वाई 0 कर रहा हूँ, ब्लर में दे रहा हूँ 3 पिक्सल ब्लर दे रहा हूँ, और हैश 333। ये देखो हमारे पास एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा ब्लर आ गया, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्स एक्सिस पे कम रखना है, वाई एक्सिस पे थोड़ा ज़्यादा रखना है, फॉर एग्जाम्पल 2 पिक्सल वाई एक्सिस पे भी कर देते हैं। देखो नीचे की साइड हमारे पास थोड़ा सा शेड आ गया, अब मुझे थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा करना है, ब्लर थोड़ा सा ज़्यादा करना है, मैं यहाँ से 5 पिक्सल बढ़ा सकता हूँ, या अगर मैं 10 पिक्सल दे दूँ तो 10 पिक्सल थोड़ा सा ब्लर और ज़्यादा हो जाएगा, तो ब्लर कम ही रखें तो अच्छा है, और वाई एक्सिस थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं बॉक्स शेडो, ठीक है। तो बॉक्स शेडो का भी एक अलग टॉपिक है, वो बताऊंगा, सही है। तो आई होप कि यहाँ से क्लियर होगा। जी मरियम और असद, काइंडली मुझे बता दें। एहसान, बॉक्स शेडो का बता दूं? देखो बॉक्स शेडो अभी इग्नोर करो, बॉक्स शेडो को नहीं नहीं समझ आ रहा छोड़ दो, अभी मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि इसको भी अभी डिटेल में बताऊंगा, ऐसे समझ नहीं आने वाला, बस अभी इतना समझो कि हमने बस इस तरीके से एक सिंपल फॉर्म हमने बनाना है, जो मैंने आपको फॉर्म दिया था, अब उसकी स्टाइलिंग करनी है अच्छे से, ठीक है। तो अब हो जाएगी स्टाइलिंग, अब तो कोई इशू नहीं आएगा। जी अफजल, हो जाएगी अच्छे से स्टाइलिंग, हो जाएगी, अब रीडेबल लगेगा फॉर्म। और मरियम, आपको भी अच्छा सा फॉर्म बनाना है इसको, और अट्रैक्टिव बनाना है, देन उसको आप पुश कर देंगे गिटहब पे, और वो एट अ टाइम खुद ही चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फॉर्म बना हुआ है, बस उसकी स्टाइलिंग करनी है, आप उसके पीछे आप थोड़ा कोई अट्रैक्टिव लगे फॉर्म, सही
अट्रैक्टिव का मीन्स कि अगर कोई देखे तो वो उसको मतलब कि घबराहट नहीं होगी, अजीब सा फॉर्म क्या है, रीडेबल तो है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई फॉर्म फिल करे ना उसको मजा भी है फॉर्म फिल करते हुए। जैसे अगर ये सिंपल सा फॉर्म अच्छा भी लग रहा है और फिल करने में भी कोई यूजर आके आराम से फिल भी कर देगा, सही है। तो कुछ मैंने एक बड़ा सा फॉर्म दिया हुआ है, तो उसको अगर आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हो, उसके अंदर पिक्चर्स लेके आती हैं और उसके कलर्स और लेबल इनपुट, तो ये सारी चीज़ें अगर आप उसको अट्रैक्टिव बनाती है तो इट मे बी कि वो आपके लिए ही फायदा होगा, क्योंकि वो आप अपने पोर्टफोलियो में दिखाओगे। समझ आ रही है बात? तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी जो आप जो चीज़ बना रही हो उसके अंदर वो एक अलग से ही दिखे, अट्रैक्टिव हो, आई कैचिंग हो, अगर कोई देखे तो पता चले कि इसमें मेहनत हुई है। नहीं, न्यू फॉर्म नहीं बनाना, उसी को एडिट करना है। उसी को एडिट किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा कि आप क्लास देंगी, उसके अंदर आईडीज देंगी, और उसी को जैसे मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है, इस तरीके से आपको डिजाइन करना है। नहीं, इस तरीके से नहीं। अगर आपने मेरी गिटहब की पूरी कंप्लीट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दोबारा पुश करना है तो आप सिंपल एक कमांड चलाते हैं, गेट पुश, और आप उसके आगे फिर कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पहले तो उस फाइल को ऐड करेंगे, गेट स्टेटस चेक करेंगे, देन उसके बाद गेट ऐड ऑल डॉट, आपको पता है गेट ऐड ऑल, देन उसके बाद क्या, जब वो पुश हो जाएगी तो देन वो जो है फाइल बाद में आप नेटलिफाई पे जो है चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक खुद ही चेंज होती रहेगी, देख लीजिएगा और समझ आ जाएगा। आपको सिंपल 2 से 3 कमांड चलानी होंगी, वो पूरा कोड आपका पुश हो जाएगा गिटहब पर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें। अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास, पहले तो यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता। जी एहसन, क्लियर है आपको? आई थिंक सही। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा था? नेक्स्ट टॉपिक पोजीशन मैंने आपको बता दी थी। अच्छा हाँ, हमें नेव बार बनाना था ना, तो मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, नेव डॉट html, सही है। और इसके साथ यहाँ पे चलो इसी के अंदर कोड लिखते हैं। अच्छा तो हमने सिंपल नेव बार, हमें हमारे पास दो क्या क्या जी नेविगेशन बार, एग्जैक्टली। तो नेविगेशन बार हमें नेव बार बनाना है, तो आपके पास कुछ सिमेंटिक टैग्स होते हैं, मैंने आपको बताया था सिमेंटिक टैग्स के बारे में, सिमेंटिक टैग क्या होते हैं और एंटिटीज क्या होती हैं। देखिए हमारे पास कुछ सिमेंटिक टैग होते हैं, आप पहले तो डिफ डिफ करके काम करते थे, सही है, लेकिन HTML5 में आप क्या करते हो, आपको जैसे अगर आपको हेडर पे काम करना है तो आप हेडर लिखते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको हेडर की जगह फुटर पे काम करना है, यहाँ पे आप फुटर का टैग लिखते हो, ठीक है। और अगर आपको मेन कंटेंट के अंदर काम करना है, जो आपकी बॉडी है हेडर और फुटर के अलावा, आप मेन का एक टैग क्रिएट करते हो और उसके अंदर आप सेक्शंस क्रिएट करते हो, उसके अंदर आप सेक्शंस क्रिएट करते हो, ठीक है। और अगर आपके पास कोई कंटेंट है जिसमें पैराग्राफ की फॉर्मेट में, तो सेक्शंस के अंदर आप आर्टिकल भी लिख सकते हो, आर्टिकल का एक होता है और टैग होता है जिसमें आप अपना जो टेक्स्ट है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास सिमेंटिक टैग्स होते हैं, और आर्टिकल का टैग अगर आपको सेक्शन के बाहर यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। देन इसके अलावा हमारे पास एक असाइड बार का भी टैग होता है, असाइड, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप असाइड का भी काम कर सकते हो, मतलब कि असाइड इट मीन्स दैट कि अगर आपको कोई चीज साइड पे लेके आनी है, लेफ्ट पैर या राइट साइड पे, तो वो भी आप लेके आ सकते हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, सिमेंटिक टैग होते हैं। ये क्या होते हैं जी? आवाज नहीं आ रही। अरे इतना
दोबारा समझा दूं। देखो मैं ये चाह रहा हूं, मैं करके बता देता हूँ। देखो हमारे पास एक डिव है और मैंने यहाँ पे एक आईडी दी इसको हेडर, यहाँ पे मैंने H1 लिख दिया हेडर, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ दे रहा हूँ लॉरेम, सही है। देन इसके बाद मैंने एक और डिव क्रिएट किया और इसकी आईडी जो है मैंने चेंज कर दी सेक्शन 1, और इसको मैंने बोल दिया सेक्शन 1, और दूसरा क्या है यहाँ पे मैंने एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ डॉट हैश सेक्शन 2, और इसके यहाँ पे हेडिंग और पैराग्राफ एग्जैक्टली वही मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ सेक्शन 2, और इसके नीचे मैं एक और डिव क्रिएट कर रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ नेव बार, और यहाँ पे मैं यूएल के अंदर एंकर नहीं एलआई के अंदर एंकर देना है और मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, जी ठीक है। तो कंट्रोल डी से आप डिफरेंट जगह पे लिख सकते हैं। तो नेव बार मैंने कर लिया, देन इसके बाद जो है एक फूटर दे देते हैं डेव हैश फूटर, और यहाँ पे यूएल के अंदर यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ नेव बार, और यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है, या इसके अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लो। अभी पूछूंगा मैं। हाँ भाई, किस किस को क्लियर है, किस किस को यहाँ पे क्लियर है तो मैं उससे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे अभी। असद भाई, मैंने ये जो लिस्ट दिए किस तरीके से दिए, हेलो असद भाई अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे काइंडली आंसर दे दें। अगर ये मैंने लिस्ट यहाँ पे दी है तो ये ब्लू कलर में क्यों आ रही है और इसके नीचे अंडरलाइन क्यों आ रही है? नहीं, मैं कोर्ट पे नहीं जा रहा, ऐसे ही बताएं आप काइंडली। कोर्ट का काम हो गया खत्म, आपको सारी चीजें समझ आ रही है तो काइंडली बता दें। ये स्पेन वगैरह मैंने कुछ यूज नहीं किया है यहाँ पे, और डॉटेड क्यों आ रहे हैं यहाँ पे ये भी बता दें मुझे। लिस्ट है तो ये लाइन अंडरलाइन क्यों आ रही है, और मैंने इसके ऊपर कोई स्टाइलिंग नहीं दी है, और ये ब्लू कलर क्यों आ रहा है इसके ऊपर? मरियम आप नहीं बताएंगी, असद जल्दी से बताओ, एहसन आप बताओ, एहसन नहीं, अफजल आप बताओ, ये नाइस। तो देखो 8 क्लास का बच्चा फोकस करके पढ़ रहा है यार, आप लोग नहीं पढ़ सकते असद भाई, क्या बोलूं मैं, बोलने की वैसे जरूरत नहीं। देखो LI मैंने यूज किया हुआ है और उसके अंदर मैंने क्या दिया एंकर टैग, एंकर टैग का मतलब क्या लिंक, लिंक हमेशा उसके नीचे अंडरलाइन आ रही होती है और उसके साथ वो ब्लू कलर आपको दिखा रहा होता है। लिंक हमेशा लिंक जब भी आप यूज करोगे उसके साथ बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आ रही होगी और वो ब्लू कलर में आ रहा होगा।
होगा, इसको लिख लें अपने पास। इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि ये चीज क्या है, तो आपको बताना होगा कि ये चीज लिंक है। क्या? ये जो ब्लू कलर आ रहा है और इसके साथ जो अंडरलाइन आ रही है, यहाँ तक क्लियर है जी? असद भाई मुझे आपका इंटरेस्ट नहीं लग रहा आज पढ़ने का, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो मुझे ही नहीं लग रहा आ रहा है, इतनी देर देर से रिप्लाई दे रहा हूँ यार, इतना शोर आ रहा है, क्या हो गया जी? हाँ बोले जी, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था लिंक का। देखो लिंक मैंने लिस्ट के अंदर डिफाइन किया है, लिंक मैंने किसके अंदर डिफाइन किया है, लिस्ट के अंदर। एंकर का जो टैग है वो लिंक है। आप HTML के अंदर जब भी लिंक इंसर्ट करोगे ना, तो वो किससे आप पहचानोगे? एंकर के टैग से। अगर मैं CSS की बात करता हूँ, CSS को मुझे लिंक करवाना है, तो वो लिंक से ही है। क्या देखो CSS को अगर मुझे लिंक करवाना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लिंक कॉलन CSS। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास यहाँ पे लिंक का एक टैग आ रहा है, ठीक है। लेकिन बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर आपके पास ए से आप लिंक रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है इसका। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस डिफ को जो मेरा हेडर था, मैंने उसको सिंपल हेडर के टैग से रिप्लेस कर दिया। डिफ को हेडर के टैग से रिप्लेस कर दिया। अब ये हेडर क्या है, ये सिमेंटिक टैग है। ये क्या है, सिमेंटिक टैग, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट होगा, बॉडी के अंदर हेडर और फुटर के अलावा, मेरे पास हेडर और फुटर के अलावा जो भी कंटेंट होगा, उसको मैं रखूंगा किसके अंदर, उसको मैं रखूंगा मेन सेक्शन के अंदर। एक मेन का टैग है, उसके अंदर मैं पूरा कंटेंट रखूंगा, ठीक है। और जैसे मैंने डिफ क्रिएट किया हुआ है एक सेक्शन, उसको मैं लिख दूंगा सेक्शन, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जैसे मेरे पास एक और है, यहाँ पे एक और सेक्शन क्रिएट कर दूंगा। और यहाँ पे अब मेरे पास नेव बार है, तो मैं इसको क्या करूँगा, नेव बार है तो नेव, और सही। और इसके अलावा अगर मुझे इसको साइड पे लेके आना है, किसी साइड पे, मतलब कि मुझे यहाँ पे ये ब्राउजर है, मुझे यहाँ पे लेके आना है इसको, मुझे इस साइड पे लेके आना, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इस कोड के अंदर इस नेव को मैं कट करके साइड का एक टैग यूज करूंगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और अब मैं इसकी विथ डिफाइन कर दूंगा कि किस तरीके से अभी बता रहा हूँ। और जो हमारा फूटर है, उसको डिफ से रिप्लेस करके मैं फूटर कर दूंगा। तो ये देखो हमारे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। अभी ये जो स्टाइलिंग हुई हुई है, ये स्टाइलिंग हमने जो ऊपर अभी लिंक करवाया उसकी स्टाइलिंग आ रही है। तो अभी हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे, अभी इस स्टाइलिंग को इग्नोर करें। तो मैं इसको भी अभी हटा देता हूँ। अभी हमारे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है अभी, ठीक है। और हेडर आ रहा है सेक्शन वन, सेक्शन टू, नेव बार और फूटर, सही है। अब सिमेंटिक टैग का पता चल गया, सिमेंटिक टैग क्या होता है, आपके पास हेडर आता है, मेन के अंदर आप काम करते हो, सारे सेक्शन वगैरह आप क्रिएट करते हो, फूटर का टैग होता है, असाइड का टैग होता है, नेव का टैग होता है। तो ये सारे टैग्स कौन से होते हैं जी? अभी बता रहा हूँ, इतनी आगे ज्यादा जल्दी नहीं चलो, अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आराम आराम से सबर करो थोड़ा सा, सही है। अभी ये समझोगे जो मैं बता रहा हूँ, पहले वो तो समझ लो, सिमेंटिक टैग हो गया, वो समझ आ गया सिमेंटिक टैग क्या होता है जी? मुझे बताएं मरियम, अफजल, असद, एहसन, काइंडली मुझे बता दे सिमेंटिक टैग क्लियर हो गया आप लोगों को, सही है। तो सिमेंटिक टैग अफजल क्या, कौन कौन से होते हैं? हेडर, फुटर, नेव और इसके अलावा कहाँ गए? मेन हो गया, सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, असाइड हो गया। बड़ी मेहरबानी असद भाई, आपने आंसर दिया। तो
चले यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे मैं चाह रहा हूँ कि सेक्शन वन सेक्शन टू आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल बेसिकली आर्टिकल एक टैग होता है जिसके अंदर आप कंटेंट अपना डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने मैन के सेक्शन के अंदर एक मैं यहाँ पे आर्टिकल का टैग दे रहा हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लोरेम 30 वर्ड्स का मैं टैग दे रहा हूँ, सेव करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आर्टिकल के सेक्शन टू के नीचे एक आर्टिकल के टैग का बेसिकली इसके अंदर मैं कंटेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, आर्टिकल के अंदर मैं कंटेंट लिख सकता हूँ। एक आर्टिकल का टैग होता है जिसमें आप अपना कंटेंट लिखते हो लाइक टेक्स्ट वगैरह। मैंने आर्टिकल के अंदर पैराग्राफ ही दिया हुआ है और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए बेसिकली अगर आप आर्टिकल का टैग यूज करते हैं ना तो सिमेंटिक टैग से ही होता है कि आपकी जो SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छी हो जाती है। तो आर्टिकल की जगह आप जहाँ पे कंटेंट है वहाँ पे अगर आप आर्टिकल का टैग यूज करते हैं वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सेक्शंस आपको क्रिएट करने हैं वहाँ पे आप अपने सेक्शंस का टैग यूज करो, सेक्शन का टैग यूज करो। और अगर आपको हेडर आप बना रहे हो तो उसकी जगह आप डिव की जगह आप हेडर का टैग यूज करो। सही है, और कभी कभार डिव की भी जरूरत पड़ जाती है तो आप डिव भी यूज कर सकते हो। सही है, तो पहले हम डिव क्रिएट करते थे हर अलग चीज के लिए, लेकिन HTML5 में क्या होता है आप हेडर का टैग यूज करते हो, डिव कम यूज करते हैं उसमें। ठीक है, तो समझ आया। और अब मुझे क्या करना है, एक मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ style1.css के नाम से। यहाँ पे मैं रीसेट कर देता हूँ मार्जिन पैडिंग और इसके अलावा जो है यहाँ पे मार्जिन पैडिंग 0 ये मैं 3 क्लासेस से लगातार बतावा आ रहा हूँ रीसेट क्या होता है। मार्जिन पैडिंग देखो यहाँ पे मार्जिन और पैडिंग क्या है अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के अंदर होती है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ इसको तो अब मुझे इसको पहले तो लिंक करवाना है। तो लिंक करवाने के लिए यहाँ पे .flash style1.css देखो मार्जिन पैडिंग हट गई बाय डिफॉल्ट जो ब्राउजर के अंदर आ रही थी। तो स्टेरिक से क्या हुआ, मैंने जैसे ही स्टेरिक लगाया उससे क्या हुआ मार्जिन पैडिंग बाय डिफॉल्ट हमने 0 कर दी, जो ब्राउजर में आ रही थी डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग वो 0 हो गई। ठीक है, ये रीसेट कर दिया हमने। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमने हर किसी को यहाँ पे आईडी दी हुई है, हेडर हो गया, सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया। सही है, और इस आर्टिकल को मैं यहाँ पे रख देता हूँ और साइड को चलो साइड को ऐसे रहने देता हूँ। सेक्शन 1 और 2 को एक काम करते हैं, सेक्शन हमारा जो 1 और 2 है उन दोनों को क्लास दे देते हैं और इसको भी मैं कर देता हूँ सेक्शन 1। या मैं डायरेक्ट सेक्शन सेलेक्ट करके इसकी विड्थ कर देता हूँ 70% और फ्लोट, फ्लोट का पता है फ्लोट क्या होता है, फ्लोट कर देता हूँ लेफ्ट। मैंने इसको क्या किया, इसका बैकग्राउंड भी कलर लेके आ जाता है, बैकग्राउंड कलर चलो ये लेके आता हूँ। यहाँ पे चेक किया आपने, यहाँ पे मैंने क्या किया इसके अंदर फ्लोट पता है, पहले तो मुझे ये बता फ्लोट पता है, फ्लोट क्या होता है। देखो फ्लोट बेसिकली अगर मुझे फ्लोट लेफ्ट करना है या राइट करना है आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, फ्लोट आप लेफ्ट कर सकते हो या राइट कर सकते हो। इस कंप्लीट को जो सेक्शन है इस कंप्लीट को मैं लेफ्ट कर सकता हूँ या राइट कर सकता हूँ, हमारे पास 2 ऑप्शन है लेफ्ट या राइट। ठीक है, तो अभी मुझे इसको लेफ्ट करना है और ये जो मेरा नेव बार इसको मुझे राइट साइड पे लेके आना है। तो मेरा जो असाइड है उसको मैं कर दूंगा फ्लोट राइट, सेव करता हूँ
साइड हमारा राइट, बिल्कुल राइट साइड पे आ गया, ठीक है। और फूटर हमारा थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो एक प्रॉपर्टी आती है क्लियर बोथ। क्या आती है? क्लियर बोथ। अब इससे क्या होगा, अब ये मैंने सेव किया और यहाँ पे फूटर से पहले मुझे ये एक डिव देना है यहाँ पे डॉट सी एल आर, सेव करता हूँ तो मेरा फूटर बिल्कुल बॉटम पे आ गया और जो मेरा नेव बार था वो बिल्कुल राइट साइड पे जाके चिपक गया। तो फ्लोट मैंने इसको राइट कर दिया, इसकी मैं विड्थ डिफाइन कर देता हूँ 30%, सेव करता हूँ। तो विड्थ अब इसकी कंप्लीट विड्थ इसने कंज्यूम कर लिए, ठीक है। और दूसरा क्या, यहाँ पे हमें इसका बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर दे कलर दे देते हैं हैश ई। तो देखो मैंने कलर तो चेंज कर दिया लेकिन ये लिंक्स का कलर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एंकर का कलर इस तरीके से चेंज नहीं होता। साइट के अंदर आपको अब टारगेट करना है एंकर को, ए को, और अब इसका मुझे कलर चेंज करना है और मुझे कलर करना है इसका ई, और यहाँ पे जो है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब क्या? टेक्स्ट डेकोरेशन इट मीन्स डेट उसके उस वहाँ पे जो अंडरलाइन आ रही है, यहाँ पे देखें अंडरलाइन आ रही है ना होम पे, हर चारों पे अंडरलाइन आ रही है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे कर दूंगा नॉन, सेव करता हूँ तो कलर भी चेंज हो गया और इसकी जो अंडरलाइन आ रही है वो भी हमने हटा दी। अब दूसरा काम क्या करना है, ये मुझे बुलेट्स हटाना है। तो मैं किस तरीके से हटा सकता हूँ? असाइड के अंदर जो यू एल है, या असाइड के अंदर यू एल है उसको मैं कर देता हूँ लिस्ट स्टाइल नॉन, सेव करता हूँ, बुलेट्स भी हट गए, ठीक है। और दूसरा ये कि बस बहुत है। तो ये चीज़ समझ आई, ये चीज़ समझ आई, फ्लॉट समझ आ गया। अगर आपको एंकर को टारगेट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो और कलर उसका किस तरीके से चेंज कर सकते हो, उसके अंडरलाइन किस तरीके से हटा सकते हो, और यूएल के अंदर जो लिस्ट के अंदर बुलेट्स आ रहे थे वो मुझे किस तरीके से हटाने। तो ये तीन प्रॉपर्टीज आपको इसकी याद करनी, कौन कौन सी? अगर मुझे अंडरलाइन हटानी है तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल बुलेट्स हटाने हैं लिस्ट के अंदर से, लिस्ट स्टाइल क्या कर दूंगा, सही है, नन कर दूंगा, बेहतरीन। तो आई होप के यहाँ तक क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो गई इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने जी सॉरी नहीं, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। जब हम रिस्पॉन्सिव पढ़ेंगे तो रिस्पॉन्सिव मीडिया क्यूरीज के बारे में बताऊंगा। देखो अभी पैराग्राफ वगैरह इस तरीके से आ रहा होगा जो कि कॉम्प्लेक्स है, अजीब सा ही लग रहा है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव अभी नहीं है, जब हम मीडिया क्यूरीज पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको रिस्पॉन्सिव के बारे में बता दूंगा। अब नेव बार क्रिएट करते हैं, ठीक है, सिंपल सा नेव बार क्रिएट करते हैं और उसको देखते हुए आज की जो क्लास है फिर आपका जो असाइनमेंट है नेव बार वाला वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो नेव बार क्रिएट करने के लिए हेडर के ये मैं पूरा कोड रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है रिमूव ने कमेंट कर देते हैं नेव, और यहाँ पे जो है मैंने एक नेव का टैग यूज किया और आईडी दे देता हूँ नेव, और इसके अलावा UL और LI, UL एंड LI में ऊपर से ही कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी मैं समझा नहीं आपके बात, आप क्या बोल रहे हैं, क्या चीज समझ नहीं आई, क्लियर का समझ नहीं आया। देखो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लियर समझ नहीं आया,
देखो मैं ये क्लियर अभी हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कर दिया कमेंट, सेव करता हूँ। अब देखो फूटर हमारा कहाँ पे आ रहा है, फूटर हमारा कहाँ पे आ रहा है, वो उसको जहां पे ऊपर स्पेस मिलेगी वो वहां चले जाएगा। इसको नीचे लाने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी है क्लियर बोथ, और वो मुझे एक डिव के अंदर देना है। तो मैं फूटर के ऊपर जो है डॉट सी एल आर की एक क्लास दूंगा, और यहाँ पे देखो क्लियर की जगह यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्लियर बोथ, ठीक है, डॉट सी एल आर एक क्लास है और क्लियर बोथ मैंने यहाँ पे दे दिया। इससे क्या होगा, वो ओवरफ्लो नहीं करेगा। से जो ऊपर आ रहा था आपके पास, ये जो फूटर ऊपर आ रहा था, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेव करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, देखो अब वो नीचे आ गया फूटर, अब ये ऊपर नहीं आ रहा, तो ये अब ओवरफ्लो नहीं करेगा। तो इस वजह से हम क्लियर बोथ की एक प्रॉपर्टी देते हैं, और इससे ये होता है कि ओवरफ्लो नहीं होता और आपका जो कॉन्टेंट है वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं, सेव करता हूं, और मेरा जो नेव है उसको अनकमेंट कर देते हैं। होम हो गया, अबाउट अस हो गया, सर्विसेज हो गई, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिख देते हैं, ठीक है। हमने एक सिंपल सा नेवर क्रिएट किया है, और सेव करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे जो है इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आपके पास नेव बार आ रहा होगा, और अब सेव करता हूँ, देखो इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी आईडी थी नेव, उसके अंदर जो यूएल है उसकी लिस्ट स्टाइल सबसे पहले तो हटा दो, ठीक है। लिस्ट स्टाइल हमने हटा दी, एक सेकेंड, एट अ टाइम चेंजेस भी आपको दिखती रहे, और हमने लिस्ट स्टाइल ऑन कर दिया। देन इसके बाद जो है हम यहाँ पे लाइन हाइट कुछ लेके आ जाते हैं, एक में सिंपल नेव बार बता रहा हूँ, सही है, वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल का बताऊं, दोनों नेव बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पहले वर्टिकल वाला कर लेते हैं, लाइन हाइट में इसकी कर देता हूँ 1.5 em, और दूसरा क्या है, दूसरा फॉन्ट फैमिली यूज करते हैं। देन इसके बाद या सही है, हैश नेव यूएल। अब मैं टारगेट कर रहा हूँ एलआई को, यूएल के अंदर जो एलआई है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। और एलआई को अभी मुझे क्या करना है, अभी एलआई को टारगेट, इसके बाद हैश नेव UL LI एंकर। हमारे पास हमने पहले क्या किया, UL को टारगेट किया जिसमें हमने लिस्ट स्टाइल ऑन कर दी, और मैंने लाइन हाइट और फॉन्ट फैमिली यहाँ पे दिए सिंपल, और LI को मैं देता हूँ बॉर्डर बॉटम, और यहाँ पे 1 pixel डॉटेड, और हैश 333, सही है। और नेव UL की मैं विथ और हाइट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, विथ यहाँ पे दे देता हूँ 300 pixel, और बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूँ इसका, येलो कर देते हैं, येलो अजीब सा लग रहा है, लाइट सा कोई रखते हैं कलर, ठीक है। और इसके अलावा जो है यूएल एलआई दे दिया हमने, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन, सबसे पहले
नॉन, और कलर मैं इसका चेंज कर रहा हूँ एश ई ई ई, सही है। और दूसरा यहाँ पे क्या देना है, हैश नेफ यू एल एल आई। अब यहाँ पे मुझे लास्ट वाले को जो है ना यहाँ पे बॉर्डर नहीं देना, लास्ट वाला जो है इसके यहाँ पे बॉर्डर नहीं देना, तो मैं क्या करूँ यू एल एल आई और लास्ट चाइल्ड कर दूंगा यहाँ पे, सही है, लास्ट चाइल्ड। और यहाँ पे जो है बॉर्डर बॉटम नन, देखो लास्ट चाइल्ड का जो है बॉर्डर अब हट चुका है, यहाँ पे देखो लास्ट चाइल्ड का जो बॉर्डर है वो हट चुका है, ठीक है। और इसके अलावा मार्जिन टॉप एंड बॉटम दे देते हैं, एल आई को देते हैं, मार्जिन टॉप एंड बॉटम दे देते हैं 10 पिक्सल 0, ठीक है 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गए, 5 पिक्सल देते हैं। और यू एल के नीचे मार्जिन बॉटम दे देते हैं 10 पिक्सल, सॉरी यू एल पे नहीं देना हमें 5 पिक्सल, चलो ठीक है 5 पिक्सल भी। अगर मैं यू एल पे मार्जिन बॉटम देता हूँ 10 पिक्सल तो क्या होगा, मुझे आंसर दो। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन बॉटम देता हूँ यू एल को तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताओ जी, कोई है यहाँ पे या नहीं, हेलो मेरी वॉइस आ रही है, मरियम काइंडली आप म्यूट कर दें, या गाना जो सॉन्ग आप सुन रही हैं काइंडली हटा दें, स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हो रहा है, वॉइस आ रही है। अच्छा तो मार्जिन अगर मैं यहाँ पे बॉटम देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। यू एल को अगर मैं मार्जिन बॉटम देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, क्या इफेक्ट आएगा, जल्दी से मुझे बताए। समझा नहीं मैं अफजल, क्या होगा, क्या चेंज हो जाएगी, मार्जिन मतलब क्या आप ये बोल रहे हो कि यू एल कंप्लीट उसकी मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल हो जाएगी, आप ये बोल रहे हो, और कोई फराज आप बताओ, देखो अगर देखो चलो मार्जिन बॉटम हटा देता हूँ, मार्जिन बॉटम पे समझ नहीं आएगा, मार्जिन टॉप कर देता हूँ, मार्जिन टॉप से क्या हुआ जो पूरा यू एल है उस कंप्लीट को क्या कर देगा, टॉप पे लेके आ जाएगा, मतलब कि टॉप से हमारी थोड़ा सा गैप आ जाएगा, ठीक है मार्जिन टॉप से। मैंने अब यहाँ पे क्या किया, मैंने मार्जिन एल आई को दिए, क्या दिए टॉप एंड बॉटम 5 पिक्सल एंड 0। अब देखो एल आई पे टॉप एंड बॉटम 5 पिक्सल आ रही है और लेफ्ट राइट 0 है। अगर मैं लेफ्ट राइट भी यहाँ पे देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेफ्ट राइट देता हूँ 5 पिक्सल, तो लेफ्ट राइट से हमारा जो एल आई है वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल जो है सेंटर में आपको ला के दे देगा, ठीक है 5 पिक्सल लेफ्ट से कम होगा 5 पिक्सल राइट से, और आपको 5 पिक्सल का गैप मिल रहा होगा लेफ्ट से भी राइट से भी और टॉप एंड बॉटम से। अब मैं बात करता हूँ एंकर की, एंकर को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एंकर को हम यहाँ पे क्या देते हैं डिस्प्ले, अभी डिस्प्ले नहीं देते, इसकी मैं पैडिंग कुछ डिफाइन कर देता हूँ 10 पिक्सल और 15 पिक्सल, ठीक है टॉप बॉटम 10 पिक्सल होगी एंड लेफ्ट एंड राइट 15 पिक्सल, ठीक है। और मैं इसका जो कलर है कलर दे दिया, अब मैं होवर पे इसका कलर चेंज कर रहा हूँ यू एल एल आई एंकर और कॉलन होवर। अब यहाँ पे ये जो मैंने होवर दिया है ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रही है जो मैंने यहाँ पे होवर दिया है कॉलन होवर, इसके ऊपर अगर मैं होवर करता हूँ ये देखो ये माउस, इसका मतलब कि ये होवर है, ठीक है।
अगर मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे कलर चेंज करना है तो कलर हम इसका कर देते हैं लाइट ग्रीन, सेव करता हूँ। देखो कलर चेंज हो गया, ठीक है, ये होवर है, ठीक है। और अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो लाइट ग्रे कर देते हैं। और ये देखो बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो कि अजीब सा लग रहा है। डिस्प्ले इसको कर देता हूँ ब्लॉक, सेव करते हैं। अब चेक करो कलर कुछ डार्क सा रखता हूँ, समझ आया ये मरियम, आपको समझ आया? थोड़ा बहुत क्या चीज समझ नहीं आई? मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं एक दफा। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे, चलो मैं पूरा कोड ही दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो हमने एक नेव क्रिएट किया, ठीक है। और इस नेव के अंदर हमने क्या किया एक यूएल, और यूएल के यहाँ पे हमने एक एच टू दे दिया नेव बार, और उसके अंदर लिस्ट और एंकर का टैग आ रहा है, मतलब कि इट मीन्स डेट के इसके अंदर एक लिंक है, लिस्ट के अंदर के एक लिंक है। मेरे साथ रिपीट करें, लिस्ट के अंदर क्या है, एक लिंक है, ठीक है। और यहाँ पे हैश का रिप्रेजेंट कर रहा है, हैश इट मींस दैट के मैं उसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ वो दोबारा पेज रिफ्रेश करेगा, हैश ये कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हैश लगाया हुआ, तो इसका क्या मतलब है, वो उसी लिंक के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो उसी पेज को रिफ्रेश करेगा। और यहाँ पे मैंने सिंपल चार लिंक्स दिए हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज एंड कॉन्टेक्ट अस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने हैश नेव यूएल को मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो कर दिया लिस्ट स्टाइल नॉन। ये क्यों किया, ये इस वजह से किया, जो बुलेट्स आ रहे थे लिस्ट के अंदर वो हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, लिस्ट स्टाइल नॉन। और मैंने लाइन हाइट कुछ बढ़ा दी 1.5 em, अगर मैं इसको 1 करता हूँ देखना फर्क आएगा, लाइन हाइट कम हो गई, लाइन हाइट थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है। और अगर मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, देखो लाइन हाइट बढ़ जाएगी, देखो लाइन हाइट थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। और मैंने फॉन्ट फैमिली यूज किए, ये आपको पता होगा, और विथ मैंने बता दी 300, पहले पूरा 100% था, लेकिन अभी मैंने इसकी विथ 300 पिक्सल डिफाइन कर दी यूएल की। सही, यहाँ पे यूएल को मैंने 300 पिक्सल इसकी मैंने विथ डिफाइन कर दी, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने डिफाइन कर दिया, बैकग्राउंड कलर आपके पास यूएल के आ रहा है। देन इसके बाद यूएल के अंदर मैं एलआई को टारगेट कर रहा हूँ, एलआई को मैंने बोला कि बॉर्डर बॉटम और 1 pixel डॉटेड हैश 333, तो हमारे पास बॉर्डर आ रहा है बॉटम की साइड पे और कितना डॉटेड आ रहा है 1 pixel, ठीक है। तो हैश 333 कलर है और बॉटम में दे रहा है और डॉटेड में दे रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमारी कर रहा है, ट्रू कर रहा है। देन हमने मार्जिन दिए टॉप एंड बॉटम 5 pixel और लेफ्ट एंड राइट में यहाँ पे दे देता हूँ 0। तो यहाँ पे देखो टॉप एंड बॉटम मार्जिन दे रहा है हमें, और लेफ्ट राइट अभी मैंने 0 कर दिए, तो अब ये पूरे पूरे को कवर करेगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे मैंने यूएल और एलआई के मैंने लास्ट चाइल्ड को बोला कि बॉर्डर बॉटम नन कर दो, मतलब क्या, ये जो बॉर्डर का जो बॉटम है, ये जो लास्ट चाइल्ड है कॉन्टेक्ट अस, ये सबसे लास्ट चाइल्ड है ना, इसका जो बॉटम है इसको मैंने इसका बॉर्डर हटा दो, बॉर्डर बॉटम हटा दो। तो यहाँ पे बॉर्डर बॉटम हमने नॉन कर दिया, और अब आ जाते हैं एंकर को टारगेट करते हैं। यूएल के अंदर जो एलआई के अंदर जो एंकर है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन कर दो, क्यों, क्योंकि एंकर के अंदर आपके पास एक अंडरलाइन आ रही होती है, उसको हटाने के लिए नॉन कर दिया हमने टेक्स्ट डेकोरेशन। कलर, इसका कलर हमने चेंज कर दिया हैश ई, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ग्रे कलर है, और ये कलर आपको ये लाके दे रहा है, ये जो कलर आपको लाके दे रहा है ग्रे टाइप का। देन इसके बाद हमारे पास पैडिंग आ रही है, पैडिंग है 10 pixel और 15 pixel, और इसका क्या मतलब है 10 pixel और 15 pixel का,
टॉप और बॉटम हमारे पास कितनी आ रही है 10 पिक्सल और लेफ्ट एंड राइट पे कितनी आ रही है 15 पिक्सल। टॉप बॉटम कितना दे रहा है 10 पिक्सल एंड लेफ्ट एंड राइट हमें कितना दे रहा है 15 पिक्सल। और ये जो डिस्प्ले ब्लॉक है, अगर मैं इस डिस्प्ले ब्लॉक को अभी हटा देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक को मैं हटा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इस पूरे ब्लॉक को कवर नहीं कर रहा, जितनी उसकी वेथ है उसको पूरे को कवर नहीं कर रहा। उस पूरे को कवर करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या देना है, डिस्प्ले ब्लॉक। तो जो एंकर है वो बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट होता है, तो उसको मुझे ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे इसको मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक करूंगा और यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब ये पूरे ब्लॉक को कवर करेगा, जितनी उसकी वेथ होगी उस पूरी रो को कंज्यूम करेगा, सही। अब वो इनलाइन नहीं रहा, अब वो ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है। देन इसके बाद हमने यूएल एल आई एंकर को मुझे होवर करना है। होवर का मतलब क्या, मुझे अगर उसके ऊपर होवर करूंगा, अगर मैं उसके ऊपर होवर करूंगा तो उसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो चेंज हो जाए, ठीक है, या जो कलर दिया हुआ जो मैंने होवर पे जो भी स्टाइलिंग की हुई वो चेंजेस होके आपको नजर आ जाए। तो वो चेंजेस होके मैंने यहाँ पे कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ये दोनों आपको दिखा रहा है। तो आई होप के नेविगेशन बार भी आपको क्लियर होगा, या अगर इसके अंदर अभी भी कोई क्वेश्चन है जो चीज समझ नहीं आई मुझसे पूछ ले। डिस्प्ले ब्लॉक वाला समझ नहीं है, देखो डिस्प्ले ब्लॉक में अभी हटा देता हूँ। एंकर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इनलाइन होता है, सही है। मैं इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे देखो अगर मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये अजीब सा लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं अगर इसको होवर करूँ तो जितनी मेरी विथ है उस पूरे को कंज्यूम करे, जो मैंने इसको पैडिंग डिफाइन की हुई है और जितनी इसकी विथ हमने डिफाइन की हुई उस पूरे को कंज्यूम करे। तो इसकी वजह से इनलाइन को हटाने के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसकी जितनी विथ यूएल के अंदर डिफाइन है उस पूरे को अब ये यूज करेगा, पूरी रो को कंज्यूम कर लेगा। तो ये पूरी कंप्लीट, अब ये ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है, ठीक है, इनलाइन से अब ये ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है। तो अब मुझे पता है कि यहाँ तक क्लियर है, येस और नो। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, जी मुझे ये बताएं कि मुझे इसका जो मेरा यूएल है उसको उसकी मेरे पास ये जो टेक्स्ट आ रहा है, सही है, मुझे ये चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये कंप्लीट टेक्स्ट चेंज करना है यूएल का जो लिस्ट आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे। और मुझे अगर डॉटेड हटाने, जो मेरे पास बुलेट्स आ रहे होते हैं, और ये मेरे पास ये नीचे बॉर्डर आ रहा है, ये मेरे पास डॉटेड बॉर्डर आ रहा है, ये किस तरीके से आ रहा है, बॉर्डर बॉटम, और ये डॉटेड किस तरीके से आ रहा है। अगर मैं सॉलिड दूंगा तो क्या होगा, सही। और ये पूरी रो किस तरीके से कंज्यूम कर रहा है, पूरी रो क्यों आ रही है यहाँ पे, ये तो एंकर तो एक इनलाइन होता है, ये तो पूरी रो ले रहा है, तो इसका क्या मतलब है, डिस्प्ले हमने ब्लॉक किया हुआ है, सही है। तो एक तो ये नेविगेशन बार हो गया, अब दूसरा नेविगेशन बार बनाते हैं जो एक लाइन में होता है, आपने देखा होगा एक इनलाइन में आ रहा होता है वो, सही है, तो उसको बना लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना नेविगेशन बार, इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें अभी भी। तो अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इनलाइन नेव, सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं जो है इनलाइन नेव कमेंट कर देता हूँ। और हमारी आईडी है क्या इनलाइन नेव, और इसके अंदर जो यूएल है, पहले मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आ रहा है, सिंपल इस तरीके से आ रहा है,
है, सबसे पहले मुझे वही लिस्ट स्टाइल हटानी होगी, लिस्ट स्टाइल नॉन करनी होगी, ठीक है। देन इसके बाद जो है लिस्ट स्टाइल मैंने हटा दी, और मार्जिन पैडिंग बाय डिफॉल्ट इसकी जीरो कर देते हैं अभी, अगर है तो हटा दो, अदरवाइज सही है। मार्जिन पैडिंग बाय डिफॉल्ट जीरो हमने कर दी है, और इसके अलावा मार्जिन पैडिंग फॉन्ट फैमिली भी इसकी चेंज कर देते हैं ताकि अच्छा लगे, एनुअल कर देते हैं। और दूसरा क्या, हैश इनलाइन नेव यूएल, और यूएल के अंदर अब एलआई को टारगेट करते हैं, और एलआई को टारगेट करने के लिए मुझे इसका बैकग्राउंड कलर देना पहले देना है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देते हैं डार्क कलर दे देते हैं 333, और अगर मैं यहाँ पे कलर चलो दे भी देता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरीके से अभी आपके पास आ रहा है, ठीक है। और मुझे इसको एक लाइन में लेके आना है, तो मैं कर दूंगा फ्लोट लेफ्ट, तो ये सब एक लाइन में आ गए, लेकिन आपने ये चेक किया जो बैकग्राउंड कलर है वो इसके ऊपर नहीं आ रहा। जो लिस्ट हमारे पास जो एंकर है उसके ऊपर हमारे पास बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा, तो उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट तो कर दिया, और जो हमारा H2 है उसको मुझे यहाँ से अभी हटाना है। सही, या मैं अभी H2 हटा देता हूँ, अभी मैं फ्लोट लेफ्ट से समझा रहा हूँ, अभी इसको इनलाइन दूंगा तो फिर समझा दूंगा बाद में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल जो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है वो मुझे लेके आना एल आई पे, लेकिन वो शो नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे कर दूंगा ओवरफ्लो, ओवरफ्लो ऑटो। अब ये क्या करेगा, जो हमारा कलर नहीं दिख रहा था फ्लोट से, क्या हुआ फ्लोट से ये हुआ कि आपने जितने भी एलिमेंट्स थे वो कोलेप्स हो गए और वो सारे एक जगह आ गए, लेफ्ट साइड पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन कर दूं तो वो भी यही करेगा, एक ही लाइन में आएगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अभी मैं फ्लोट लेफ्ट से कर रहा हूँ और ओवरफ्लो ऑटो कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, जैसे मैं ओवरफ्लो ऑटो करूंगा तो आपका जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो ऑटो कर देगा और आपको बैकग्राउंड कलर शो करवा देगा। देन इसके बाद मुझे फ्लोट लेफ्ट करना है, फ्लोट लेफ्ट करने के बाद जो है मैं हैश इनलाइन नेव पे आता हूँ, यूएल पे आता हूँ, एल आई पे आता हूँ, और यहाँ पे एल आई, और यहाँ पे टारगेट करना है एंकर को, और यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन, और यहाँ पे दूसरा क्या करना है मुझे, कलर चेंज करना है, कलर हैश FFF, और यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया। और अब मुझे जो है पैडिंग देनी है, पैडिंग दे देते हैं टॉप बॉटम 10 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट दे देते हैं 15 पिक्सल, आपके पास पैडिंग आ गई। और दूसरा क्या, इसको मुझे कर देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, जितनी उसकी स्पेस है वो उतनी ही स्पेस ले, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक से क्या होगा, जितनी इसको मैंने स्पेस दी हुई है वो उतनी ही स्पेस लेगा। और दूसरा क्या है, अब मुझे इसको होवर पे लेके आना है, इनलाइन डैश नेव यूएल एल आई एंकर, और होवर करना है, और होवर पे मुझे इसका कलर चेंज करना है, कलर में ये रख देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर जो है ग्रे कर देते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नेविगेशन बार भी, ये टॉप नेविगेशन बार भी रेडी है, ठीक है। तो इसके अंदर ये भी सिंपल है, मैंने सिंपल इसके अंदर एल आई के अंदर फ्लोट लेफ्ट कर दिया है और रहेगा वही, सही है। तो कॉन्सेप्ट वही है सारा, तो मुझे काइंडली बता दें यहाँ तक क्लियर है जी फराज। यहाँ तक क्लियर है, येस और नो? मरियम, एहसन, अफजल जी, मुझे बताएं, अब समझ आ गया नेविगेशन बार किस तरीके से काम करता है, अब तो बूटस्ट्रैप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप कर लेंगे नेविगेशन बार बना लेंगे, आप सब बना लेंगे नेविगेशन बार, आप तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं कुछ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी बता देता हूँ, तो ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है, देन आपकी सीएसएस बेसिक कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा नेविगेशन बार के अलावा एक और असाइनमेंट है, और ये दो असाइनमेंट्स मैं आपको आज बता दूंगा क्या करना है। तो नेक्स्ट जो अभी अभी जो संडे आएगा, इस संडे तक आपको असाइनमेंट सबमिट करवाना है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि डिस्प्ले की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, देन उसके बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट समझाता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूं, डिव और हैश या बॉक्स के नाम से। यहाँ पे मैं पैराग्राफ या हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग क्या आते हैं यहाँ पे, बॉक्स वन पैराग्राफ 20, इसी को मैं कॉपी करके उसी में लेके आ जो बाकी हमारे डिव है। सही है। और स्क्रीन हैंग हुई हुई है, आप मुझे बताएं, आप सबके पास अब सही दिख रही है स्क्रीन, कोई इशू? मैंने सिंपल क्या किया, मैंने सिंपल तीन बॉक्सेस क्रिएट किए, डिव तीन डिव क्रिएट किए, उसके अंदर एक हेडिंग एक पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो एक हेडिंग है एक पैराग्राफ है, एक हेडिंग है एक पैराग्राफ, एक हेडिंग है एक पैराग्राफ। अब मैं इसको स्टाइल करता हूँ, यहाँ पे मैं बता देता हूँ डिस्प्ले, हमारे पास हमारे डिस्प्ले की कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होता है इनलाइन, सही है, इनलाइन होता है, एक होता है इनलाइन ब्लॉक, और इनलाइन ब्लॉक एक होता है ब्लॉक। और इसके अलावा अगर मैं एडवांस की बात करता हूँ, तो एडवांस में हमारे पास फ्लैक्स बॉक्स आ जाता है, दूसरा आ जाता है ग्रिड। तो अभी ये आगे के टॉपिक्स हैं, ये अभी इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन ये भी आप डिस्प्ले में कर सकते हो। और थर्ड क्या होता है, डिस्प्ले नॉन। तो ये सारे डिस्प्ले की वैल्यूज हैं जो कि आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सही है। तो अब हमें क्या करना है, हमने तीन बॉक्सेस क्रिएट कर लिए, मैं इन बॉक्सेस को थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूँ ताकि हम इसके ऊपर स्टाइलिंग करें तो नजर भी आए कि हमने क्या किया है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे दे देता हूँ लाइट सा कुछ कलर दे देते हैं, और कलर यहाँ पे जो है डार्क सा कलर दे देंगे, और मार्जिन टॉप एंड बॉटम दे देते हैं 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट 0 कर देता हूँ। और मैं विथ डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, विथ 300 पिक्सल डिफाइन कर रहा हूँ। तो हमारे पास इस तरीके के बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 300 पिक्सल के। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डिस्प्ले इनलाइन देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले इन लाइन, सही, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले इन लाइन। तो अगर मैं इसको सेव करता हूँ, तो देखो ये सब जो भी मैंने स्टाइलिंग की थी सब हट गई, एक अजीब सा यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ पे देखो एक एरर भी दे रहा है, ये देखो यहाँ पे लाइन आ रही है। अब इन लाइन में क्या होता है, इन लाइन में आपके पास मार्जिन पैडिंग और जो विथ है वो कंसिडर नहीं की जाती। अगर मैं सिंपल डिस्प्ले इन लाइन दूंगा तो आपकी मार्जिन पैडिंग और विड्थ कंसीडर नहीं की जाएगी। मेरे साथ बताएं, मैंने क्या बोला यहाँ पे, अगर मैं डिस्प्ले क्या देता हूँ इनलाइन, तो क्या चीज कंसीडर नहीं की जाएगी। सही है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ इनलाइन ब्लॉक, और अब ये कंसीडर करेगा इनलाइन ब्लॉक पे, सही, इनलाइन ब्लॉक पे कंसीडर की जाएगी, इनलाइन में कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको एक चीज इनलाइन ब्लॉक करना है, तो आप इनलाइन लेके आना चाहते हो, तो आप उसको इनलाइन ब्लॉक करें अगर आपने विथ या मार्जिन या पैडिंग यूज की हुई है। तो
फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ 33.3%, और इसकी मैं कुछ पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल, तो आपके पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। इसको तो कम कर देते हैं, 32। सही है, तो आपके पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। और इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन समझ आएगा। इनलाइन अगर कोई भी आपको सिंपल इनलाइन देनी है किसी को भी, किसी भी एलिमेंट को, तो आप इनलाइन दे सकते हैं विदाउट विथ पैडिंग और मार्जिन के। अगर आपको, आपने विथ यूज की हुई है, पैडिंग यूज की हुई है और आपने मार्जिन यूज की हुई है, तो आप जो है इनलाइन ब्लॉक यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा आता है हमारे पास डिव ब्लॉक। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट, या इसको मैं इसके साथ एक आईडी दे देता हूँ, बॉक्स डैश वन सेव करता हूँ। यहाँ पे भी मैं बॉक्स डैश वन डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। वो हमारी क्लास रीड कर रहा है। अगर मैं, चलो इसको डिस्प्ले ब्लॉक भी करता हूँ तो कोई सेंस बनता नहीं है। बाय डिफॉल्ट डिव क्या है? एक ब्लॉक एलिमेंट है, तो हमें कोई चीज, फॉर एग्जांपल जैसे आप, आपको मैंने अभी बताया एंकर का, एंकर की एग्जांपल बताई थी। तो ब्लॉक अगर हम, मैं यूज करता हूँ तो ब्लॉक उस पूरी रो को कंज्यूम कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक स्पैन का कीवर्ड, एक स्पैन एलिमेंट यूज करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइव वर्ड्स, सेव करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं हेलो डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे जो है बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये स्पैन बाय डिफॉल्ट क्या था? इनलाइन था। अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक हटा दूँ यहाँ से, यहाँ पे देखो अब ये इनलाइन है, ठीक है। अब मुझे इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना है, तो ये पूरी रो अब कंज्यूम कर सकता है। तो इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक समझ आ गया। इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें अभी। देखो ब्लॉक मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अगर यहाँ पे ब्लॉक अभी हटा देता हूँ, स्पेन क्या है? स्पेन एक इनलाइन एलिमेंट है। सही, स्पेन क्या है? एक इनलाइन एलिमेंट है। आज घर जाके, घर पे ही हो तो आज क्या करना है आपको, घर पे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स आपको सर्च करने, और आप तकरीबन इनलाइन एलिमेंट्स को रीड करना और ब्लॉक एलिमेंट्स देखना कौन से होते हैं, इनलाइन कौन से होते हैं और ब्लॉक कौन से होते हैं। इनलाइन में अभी बता देता हूँ, इमेजेस हो गई, आईएमजी का टैग हो गया, एंकर का टैग हो गया, स्पैन हो गया, और हमारे पास बेशुमार इनलाइन के टैग्स हैं। सही है, तो आप घर जा, मतलब के घर पे ही आप जो है इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के टैग आप देख लीजिएगा और एक आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे स्पैन क्या है? एक इनलाइन है। स्पैन क्या है? एक इनलाइन एलिमेंट है। मैं अगर सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखो जहां तक उसकी स्पेस है, जहां तक वो यहाँ तक, जहां तक हमने इसको टेक्स्ट लिखा हुआ है, जहां तक उसकी स्पेस है सिर्फ वहीं तक ही वो स्पेस यूज करेगा। जहां तक उस, हमने कंटेंट लिखा हुआ है वहीं तक ही वो स्पेस यूज करेगा, उसके आगे की स्पेस यूज नहीं करेगा। लेकिन हम बोलते हैं कि इसको डिस्प्ले ब्लॉक, हमने इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये क्या करेगा? पूरी रो जो है पूरी रो यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, तो अब ये पूरी रो जो है यूज में ले लेगा। अगर मैं इसके नीचे एक और स्पेन देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो और मैं सेव करता हूँ, अब वो नीचे आ रहा, उसके बराबर में नहीं आ रहा। तो समझ आया अब इनलाइन क्या होता है? अगर मैं दूसरा एक और स्पेन देता हूँ तो वो क्या करेगा? उसी के बराबर में आ रहा है, तो उसके बराबर में आ रहा है, इनलाइन है ये। अगर मैं इस हेलो को, इस हेलो को क्लास देता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ हेलो को, यहाँ पे क्लास देता हूँ यस की, और यहाँ पे डॉट यस कर देता हूँ, और मैं बोलता हूँ डिस्प्ले
ब्लॉक। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हमने इसको सेव कर लेते हैं और देखो हेलो ऊपर आ रहा है, गुड नीचे आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो मैंने इसको यस को जो क्लास दी है उसको मैंने कर दिया ब्लॉक, और ये जो गुड है अब वो नीचे आ रहा है। अब वो पूरी रो आपकी यूज कर रहा है जिसको हमने क्लास दी है यस। समझ आया? सही है, तो आज की क्लास फिर यहीं तक ही रखते हैं, और मैं अब असाइनमेंट समझा देता हूँ। असाइनमेंट क्या है आप लोगों का, आपको आपके पास तकरीबन 5 डेज हैं, और 5 डेज में आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट बनानी है, और वेबसाइट क्या रिप्रेजेंट करेगी, होटल वेबसाइट होगी, और मैं भी बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीक, लेकिन आपको पहले बनानी है, कोशिश करनी है आपको। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको बनानी है, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से आप जो है असाइनमेंट बनाओगे। ठीक ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, तो इसको ओपन करके आप इसको देखते हुए अपनी वेबसाइट बनाएंगे, ना कि इसी को कंप्लीट कॉपी कर लें। ठीक है, इसको देखते हुए आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे। जी, पूरी कंप्लीट वेबसाइट आपको बनानी है, और देखो सिंपल सी वेबसाइट है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है बेसिक ही, उसको यूज करते हुए आपको बनाना है। और दूसरा ये है कि अभी इसको लोड होने दो, बताता हूँ इसका दूसरा पेज, थर्ड पेज। यहाँ पे अभी इसके बैकग्राउंड पे इमेज है, ठीक है, लोड हो रही है थोड़ा सा ज्यादा। और मैं इमेजेस बता देता हूँ कि इमेजेस कहाँ से लेनी है आपको। यहाँ पे गूगल पे लिखना है अनस्प्लैश, क्या लिखना है अनस्प्लैश, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप अपनी कोई सी भी इमेजेस आपको उठानी है। जैसे वेबसाइट का टाइटल है, होटल वेबसाइट आपको बनानी है, तो आपको यहाँ पे होटल से रिलेटेड कोई सी भी आप इमेजेस यहाँ से सर्च कर सकते हो, और वो आप यूज कर सकते हो अपनी वेब पे। ठीक है, और यहाँ पे फायदा क्या है, ये आप कमर्शियल बेस भी यूज कर सकते हो यहाँ से इमेजेस, और यहाँ पे आपके पास हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं। तो ये वेबसाइट का नाम आप नोट कर लो unsplash.com, सही है, तो यहाँ से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा ये कि आपके पास एक कॉन्टेक्ट फॉर्म होगा इसके अंदर एक, ठीक है, और ये फूटर है, ये आपके पास जो है एक हेडर आ रहा होगा, और अगर मैं अबाउट की बात करता हूँ, ये अबाउट अस का पेज है, सही है, अबाउट अस का पेज है। देन इसके बाद जो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये है कि एक सेकंड, अबाउट अस का पेज है, और दूसरा क्या है, तो मुझे थोड़ा सा मिनिमाइज करना होगा। ये हमारे पास एक गैलरी आ रही है, इस गैलरी को भी हटा दें, इस गैलरी को नहीं बनाना, सही है, ये ग्रिड से बनी हुई है, तो ये गैलरी अभी आपको नहीं बनानी, अभी इस गैलरी को इग्नोर करें। और ये आपके पास एक कंप्लीट लेआउट होगा, देन इसके बाद ये आपके पास एक इमेज आ रही होगी, देन इसके बाद ये आपके पास 3 सेक्शंस आ रहे होंगे, और इसके ऊपर ये फॉन्ट ऑसम मैंने यूज किया वो आइकन। अगर आपको फॉन्ट ऑसम का नहीं पता अभी, तो आप सिंपल आइकन की इमेज डाउनलोड करें और वो आप IMG के टैग से इंसर्ट करवा दें। तो अभी फॉन्ट ऑसम अगर यूज नहीं करना चाहते तो नहीं करें, कोई मसला नहीं है। तो एक सिंपल सी वेबसाइट है, कोई बड़ी वेबसाइट भी नहीं है, 2 घंटे में आप इजीली क्रिएट कर लोगे। देखो ये इमेज अभी लोड हो रही पीछे से, और इसके ऊपर मैंने यूज किया हुआ है लीनियर ग्रेडियंट, इमेज के ऊपर लीनियर ग्रेडियंट मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर अबाउट आवर होटल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास होटल का अबाउट अस का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्लो चल रहा है बहुत ज्यादा इमेजेस, क्योंकि हाई क्वालिटी की है, तो इसी वजह से।
तो वेबसाइट समझ आ गई, ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो काइंडली आप लोग देख लीजिएगा। सही है, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। इस संडे आपको सबमिट करवानी है, अगर आप 2 घंटे लग के काम करेंगे तो वेबसाइट तैयार हो जाएगी आप लोग, कोई मुश्किल नहीं है। इमेजेस देनी, नेविगेशन बार है, 3 सेक्शंस क्रिएट करने, एक ये इसके अंदर 2 सेक्शंस क्रिएट हुए हैं, इसके अंदर 3 सेक्शंस हैं, और ये गैलरी तो बनानी नहीं है, एक फुटर क्रिएट करना है, एक अबाउट अस का पेज है जिसमें थोड़ा सा कंटेंट होगा, उसके साइड में एक इमेज है, और यहाँ देखें एक फॉर्म है, सिंपल सा एक फॉर्म है, एक ये अबाउट अस का पेज है, उसके नीचे व्हाट आवर गेस्ट सेज, और ये सिंपल सी वेबसाइट है, कोई मुश्किल नहीं है, तो मुझे ही लगता है कि इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। एग्री कर दो आप लोग?